सभी उपस्थित बहुजनों को मेरा जय भी नमो बुद्धाय है। और मैं बात शुरू करूंगा सावित्रीबाई फुले के उस आख्यान से कि जब माता सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने जाती थी, महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, तो वहाँ एक वाक्य जो आप सबको याद होगा कि कुछ औरतें ऐसी भी होती थी कि जो उन्हें इस कार्य को करने से रोकती थी और गोबर फेंकती थी। और वो दो ड्रेस लेके जाती थी, एक ड्रेस को अपना रखते थे, दूसरा पहनते थे। तो इन्हीं पंक्तियों से, जैसे कि अगर हम पाली में हमारा धम्मपद एक ग्रंथ मिलता है और धम्मपद की पहली दो गाथाएं हैं, उन दोनों गाथाओं को देखो कि मनुष्य का जो माइंड है अगर वो सकारात्मकता की ओर जाता है और नकारात्मकता की ओर जाता है तो कैसा हो जाता है। और हम माता सावित्रीबाई फुले के उदाहरण से देखते हैं उन चीज़ों को कि मनु पुब्बंगमा धम्मा मनु सिट्ठा मनोमया मनसा च पदुठे न भासती व करोती व तत चक्कम दुखम अनवेती बहतो पदम। कि मन जो होता है, जैसे सर बता रहे थे, मन ही सब चीज करता है, मन ही सर्वगामी होता है, सारी चीजें मन में ही पैदा होती हैं। अगर आपका जो मन है प्रदुष्ट मन रहेगा तो दुख आपका अनुगमन करते हैं, और दुख वैसे ही अनुगमन करते हैं जैसे कि बैलगाड़ी होती है और चक्का चलता है बैलगाड़ी का, और पैर के जो बैल के पैर होते हैं उसके पीछे अनुगमन करते हैं। अब सेम अगर हम इसी गाथा को सकारात्मकता की ओर, जब यही गाथा दूसरी गाथा है जो सकारात्मक है, और उस गाथा में कहा गया है कि मनु पुप्पंगमा धम्मा मनुसिट्ठा मनोमया मनसा च पसन्नेन, वहां प्रदुष्टेन था पदुष्टेन और यहाँ पसन्नेन, भासती वा करोती वा ततो सुखम अनवेति, तो सुख अनुगमन करते हैं और वैसे ही अनुगमन करते हैं छाया एवं पर्यायिनी, कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की भांति। तो माता सावित्रीबाई फुले जिस मानसिक मतलब एक सामाजिक निर्माण कर रही थी, तो वो निर्माण इतना कल्याणकारी था कि वो आज हम सब के लिए साथ न छोड़ने वाली छाया की भांति है और एक सुखकारी है। अब समाज में ऐसे बहुत सारे उस समय जो इस तरह का कृत्य कर रहे थे, जो भी रहा उन्हें कोई याद नहीं करता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा लोगों का याद रहता है और याद किए जाते हैं, हमारे बीच में हमेशा जीवित रहेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज की, जैसे माता सावित्रीबाई फुले के भीतर कई सारी इच्छाएं रही होंगी, एक स्त्री स्वभावतः कई इच्छाएं हो सकती हैं, कितनी इच्छाओं को उन्होंने खत्म किया होगा और किन चीजों को लेकर आगे बढ़ी होंगी। हम एक जो गलती कर जाते हैं कि हम अपनी परंपरा से हट जाते हैं, क्योंकि जो हमारी बहुजन परंपरा तथागत बुद्ध से प्रारंभ होती है, उस तथागत बुद्ध की परंपरा का कहीं देखो हमें कभी कभार ग्रंथों का हो सकता है मिले नहीं मिले, परंतु कहीं ना कहीं हमारे समाज में वो प्रभाव जरूर शेष रह जाते हैं और वो संस्कार धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं आते हैं। तो आज हम भी देख रहे हैं वो सारे संस्कार कि हमारे घरों में भी कभी जिस तरह से ये पूजा पाठ की पद्धतियां हमने कभी देखी नहीं, या तो कबीर पंथ रहा या रविदास पंथ की हमारे यहाँ परंपरा रही, तो ये परंपरा हमारे पास आई कैसे, जब इतना बड़ा मीडिया काम कर रहा हो, घर घर में मंदिर हो, लोगों के गांव गांव में सारी चीजें हो, तो परंपराएं जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब पहुंचती हैं तो ऐसे ही व्यक्ति धीरे धीरे महान भी बनते हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले की जो परंपरा है हमारी थेरी गाथा की परंपराओं से जुड़ती है, और थेरी गाथा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पाली का दुनिया का सबसे पहला दस्तावेज है कि जहाँ महिलाएं अपनी बात रखती हैं, इससे पहले पूरी दुनिया में कोई ग्रंथ अवेलेबल नहीं होता कि महिलाओं के द्वारा लिखा गया कोई इतिहास का ग्रंथ मिलता हो। सारा का सारा जो इतिहास है पुरुषों ने अपने हिसाब से लिखा, केवल और केवल पाली में थेरी गाथा जिसमें 73 थेरियों की कहानियां हैं, अलग अलग उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, कैसे कैसे सोशल डायलेक्ट से कहाँ कहाँ से निकल के वो आई थी, और उस सामाजिक विडम्बनाओं को त्यागते हुए और वहां तक पहुंचना, और आप मतलब जान के ऐसा लगेगा कि उसमें एक सुमुत्ता थेरी है, और सुमुत्ता थेरी बड़े उससे कहती है कि सुमुत्ता मुक्तामयी तीनी उजखेन, मैं तीन चीजों से मुक्त हो गई अच्छी तरह से, बेलन, उदाहरण आते हैं जो घर गृहस्थी के हैं कि अगर मैं बुद्ध की शरण में आई तो जो बेलन मेरी दासता का प्रतीक था उससे मुक्त हो गई, और एक मेरा वो कुबड़ा पति जो मुझे उन बर्तनों से भी नीचा समझता था जिन्हें वो अपनी आजीविका के लिए बनाता था, छाते वगैरह जो बनाता था उनसे भी नीचा समझता था वो, और तीसरी वो परंपरा है कि जिसमें मैं बंधी रहती थी। तो ऐसा समाज शायद हमने बहुजन समाज में नहीं देखा है, क्योंकि हम जिस परिवार में जन्मे हैं, जहां हम लोग जन्म ले रहे हैं, हमारे सामने पूरी की पूरी परंपरा जीवित है, और ये परंपरा जो है आगे जानी चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले की परंपरा, बाबा साहब की परंपरा, तथागत कारुणिक भगवान बुद्ध की परंपरा, काशीराम साहब की परंपरा, तो ये परंपरा जो है निर्वहन कर रही है और नई चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं। समय देने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद।